हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस उपश्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ ट्रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है मुस्कुराना धर्म है। ये हमारी एक कविता है और इस कविता के जो लेखक कविता के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है गोपाल दास नीरज। वो हमें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि मुस्कुराना धर्म है। मुस्कुराना अर्थात प्रसन्न रहना, अपने जीवन में खुश रहना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य बनता है। तो हमें जीवन में चाहे कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी जीवन में हालात हो, हर हालातों में हमें खुश रहना चाहिए, हर हालातों में हमें प्रसन्न चित रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारा तन मन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मस्तिष्क सभी प्रसन्न रहेंगे, सभी निरोगी रहेंगे। और अगर हमारा तन मन सब प्रसन्न रहेगा तब हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर लेंगे। तो हमें अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न चित रहना चाहिए। ये कवि हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। इस कविता को पढ़ें उससे पहले जो हमारे रचनाकार हैं उनका परिचय हम देखते हैं। हिंदी गीतों का पर्याय कहे जाने वाले कवि गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को पुरावली, ग्राम पुरावली, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। जो गोपाल दास नीरज जी हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में और पुरावली गांव में इनका जन्म माना जाता है। और 4 जनवरी सन 1925 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने सन 1942 में एटा से हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1949 में इंटर, 1951 में बीए तथा 1953 में प्रथम श्रेणी में हिंदी साहित्य में एमए किया। राष्ट्रकवि दिनकर ने इन्हें हिंदी की वीणा नाम दिया। और जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं इन्होंने इनको हिंदी की वीणा नाम से पुकारा, इनको उपनाम दिया, क्योंकि हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। इनको कई पुरस्कार भी मिले गए जिनके कारण जो दिनकर जी हैं इन्होंने इनको हिंदी की वीणा उपनाम दिया। उनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अलंकरणों से भी सम्मानित किया। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण ये पुरस्कार भी इनको मिले। इन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। ये कविताओं के साथ साथ में गीतों की भी रचना करते थे, तो इनके सर्वश्रेष्ठ गीत थे तो इनको इसी कारण इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। नीरज वास्तव में हिंदी काव्य जगत की गरिमा है। और जो गोपाल दास नीरज हैं, जो हमारे कवि हैं, इनको हिंदी में जो भी काव्य जगत है, कविताएं हैं और जो हिंदी के जो भी गीत हैं उनमें एक बड़े ही गर्व के साथ में इनका नाम लिया जाता है। ये हमने पढ़ा हमारे जो कवि हैं उनका परिचय। आगे पढ़ते हैं अपनी कविता। हमारा जो कविता का शीर्षक है इसके बारे में हमने जाना कि जो कवि हैं हमें हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में मुस्कुराने के बारे में बोल रहे हैं कि मुस्कुराना हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है, तो हमें हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए। ये हमने जाना। आगे हैं कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों पर हमें विचार विमर्श करना है। पहला प्रश्न है हमारा, कविता का शीर्षक पढ़कर आपको क्या पता चलता है। ये हमने प्रारंभ में ही जाना कि कविता के शीर्षक को पढ़कर हमें क्या मालूम होता है। कविता का शीर्षक पढ़कर हमें मालूम होता है कि हमें इस कविता में मुस्कुराने, प्रसन्न रहने के बारे में बताया गया है। जो कवि हैं नीरज जी, वो हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में
हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। तो इस कविता के शीर्षक के माध्यम से हमें यही पता चलता है। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, मुस्कुराते रहना क्यों ज़रूरी है? मुस्कुराते रहना क्यों ज़रूरी है, प्रसन्न रहना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? देखो, हमेशा मुस्कुराते रहना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुस्कुराने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। और अगर मुस्कुराने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, अगर हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी प्रसन्न रहेगा, और अगर हमारा मस्तिष्क प्रसन्न रहेगा तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में आएंगे और हम और भी अच्छा सोच सकेंगे। और इसके साथ साथ में प्रसन्न रहने से हमारा मन और मस्तिष्क तो प्रसन्न रहता ही है, साथ में हमारा जो तन है अर्थात जो हमारा स्वास्थ्य है वह भी बहुत अच्छा रहता है। तो प्रसन्न रहने से, खुश रहने से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। प्रश्न तीसरा है हमारा, जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए? यहाँ पर चुनौतियों का अर्थ है, अगर जीवन में कोई भी परेशानियाँ आ रही है, जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आ रही है, तो उनका सामना हमें कैसे करना चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें बस यही बता रहे हैं कि अगर हम जीवन जी रहे हैं, अगर हम जीवन जी रहे हैं तो चुनौतियाँ तो हमारे सामने ज़रूर ही आएंगी। ये तो क्या है, चुनौतियाँ आना तो एक लाजमी है, हमारे जीवन में चुनौतियाँ ज़रूर ही आएगी, और हमें उन चुनौतियों का सामना हमेशा ही मुस्कुराते हुए करना चाहिए। जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनका सामना हमें हमेशा ही मुस्कुराते हुए करना चाहिए। अगर हम परेशानियों में भी मुस्कुराएंगे तो ये परेशानियां बहुत ही छोटी लगने लग जाएगी। अगर हम इन कठिनाइयों में, इन मुसीबतों में, इन मुश्किल हालातों में भी अगर प्रसन्न रहेंगे तो जो ये बड़ी से बड़ी परेशानियाँ हैं ये भी हमें बहुत ही छोटी लगने लग जाएगी, और इनका बड़े ही आराम से हम सामना कर लेंगे। तो हमें हमेशा जो भी चुनौतियाँ आती हैं हमारे जीवन में, उनका प्रसन्नचित होकर मुस्कुरा कर उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रश्न दिए हुए थे, इन पे हमने विचार किया। आगे पढ़ते हैं हम, इस कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। पहले हमने थोड़ा जाना, फिर भी जो जीवन मूल्य है उसको हम देखते हैं। जीवन संघर्ष और कठिनाइयों का दूसरा नाम है। जो मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं, उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, जीवन का दूसरा नाम ही कठिनाइयां है। जितना हमारे पास में सुख का समय होता है, उतना ही हमारे पास में दुखों का, कठिनाइयों का, संघर्ष भरा समय भी होता है। तो मनुष्य के जीवन में संघर्ष आते हैं, परेशानियां आती है, तो उन परेशानियों और संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए, और वो भी एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, प्रसन्नचित चेहरे के साथ में। अगर हम प्रसन्नचित होकर मुसीबतों का सामना करेंगे तो जो सफलता है वो हमें ज़रूर ही प्राप्त होगी। ये हमने जाना हमारा जीवन मूल्य, कविता का महत्व हमारे जीवन में। आगे है हमारी कविता, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ हैं तब खेलना, जब हो समुद्र पर नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उनका अर्थ हमें पहले देखना है। गैर मुमकिन का अर्थ होता है असंभव। संभव का विलोम अगर हम लें तो संभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असंभव। संभव होता है जिसे हम कर सकते हैं, और असंभव होता है जिसे हम नहीं कर सकते। फर्ज का अर्थ होता है कर्तव्य। लाजिम का अर्थ होता है उचित। लाजिम का अर्थ क्या होता है, उचित। ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य या फिर लक्ष्य। तो ये हमारे
पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। गैर मुमकिन यानी असंभव, जो कार्य हमें संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे। फर्ज का अर्थ होता है कर्तव्य, लाजिम यानी उचित, और देय यानी उद्देश्य या फिर लक्ष्य। जो हमारे कवि हैं, कवि का नाम क्या था? गोपालदास जी नीरज। जो हमारे कवि हैं नीरज जी, वो हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब हम जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, कुछ ऐसी हालात हमारे सामने आते हैं, जब हमें उस समय लगता है कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं मुस्कुरा सकते, हालात बिल्कुल विपरीत हैं। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं, अर्थात परिस्थितियाँ जब बहुत ही कठिन हो, जब कुछ भी हमें सही होता हुआ दिखाई नहीं दे, फिर भी हमें उन परिस्थितियों में मुस्कुराना चाहिए। उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है हमारा, क्योंकि उन मुश्किलों में अगर हम मुस्कुराएंगे तो वो जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जीवन में अगर बुरे हालात भी हों, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, तो भी हमें उन परिस्थितियों के सामने भी मुस्कुराना चाहिए। उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है हमारा, क्योंकि उन मुश्किलों में मुस्कुराना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और जो ही हम उन मुश्किलों में मुस्कुराएंगे तो हमें सफलता जरूर ही प्राप्त होगी। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेल खेलना। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, गैर मुमकिन का अर्थ भी हमने जाना असंभव, फर्ज का अर्थ भी हमने जाना कर्तव्य, और लाजिम का अर्थ लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, तब हो समुद्र पर नसा तूफान का, जिस वायु का दीपक बुझाना देई हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है इंसान का। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, यानी जिस वक्त, जिस समय हमारे जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा आएं, अर्थात मुस्कुराने की कोई भी वजह हमारे सामने न हो, तो भी हमें मुस्कुराना चाहिए। जिस समय हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आए, और हमारा जीना भी हमें असंभव सा लगने लग जाए कि नहीं, अब हम इन हालातों में जी भी नहीं पाएंगे, उन हालातों में भी हमें मुस्कुराना चाहिए। उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, एक उम्मीद जीने की, जब कोई उम्मीद भी हमारे पास में बाकी नहीं हो, फिर भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि जो ही अगर हम मुस्कुराएंगे तो हमारे जीवन में उम्मीद विकसित होगी। उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, उस वक्त भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। अगर हमें इस संसार में जीना है तो मुस्कुराते हुए जीना है। मुस्कुराने से हम बड़े से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, और जो मुस्कुराने से जो एक लहर रूपी जो परेशानियां हैं, वो कठिनाइयां हैं, उनसे हम आसानी से खेल जाएंगे, उचित रूप से हम उनसे खेल जाएंगे। तो हमें हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। जब जीना हमें असंभव सा लगने लगे, जब हालात बिल्कुल हमारे विपरीत हों, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में कठिनाइयां हों, परेशानियां हों, उस वक्त भी हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस समय भी हमेशा मुस्कुराते रहें, और जो भी जीवन में लहर रूपी जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनके साथ में खेलते रहें, अर्थात उनका सामना प्रसन्नतापूर्वक करते रहें। और अगर हम उनका सामना प्रसन्नतापूर्वक करेंगे तो हमें वो परेशानियाँ बहुत ही छोटी लगने लग जाएगी। तो हमें हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, क्योंकि ये हम इंसान का कर्तव्य बनता है। जब वो समुद्र पर नसा तूफान का,
जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जब हो समुद्र पर नशा तूफान का, यहाँ पर कवि ने समुद्र को हमारा जीवन बताया है और तूफान हमारे जीवन में आने वाले जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको यहाँ पर तूफान के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि जिस समय समुद्र अर्थात हमारे जीवन रूपी समुद्र पर तूफान रूपी परेशानियों का नशा हो, जिस समय हमारे जीवन पर समुद्र रूपी हमारे समुद्र रूपी जीवन पर तूफान रूपी परेशानियों का नशा हो, अर्थात चारों तरफ से हम परेशानियों से घिर जाएं, उस वक्त भी उस समय भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो उस वायु में दीपक जलाना हमारा धर्म है। जिस प्रकार एक वायु रूपी परेशानियों का उद्देश्य हमारे जीवन रूपी दीपक को बुझाने का हो, उस समय भी हमें मुस्कुराना चाहिए। जो वायु रूपी जो परेशानियां हैं उनका एक ही उद्देश्य है हमारे जीवन को बुझाना। तो हमें इन वायु रूपी परेशानियों के सामने कभी भी हार नहीं माननी है और जो अपना जीवन रूपी जो दीपक है उसे बुझाने से हमें रोकना है। उस वायु में दीपक जलाना धर्म है हमारा और उन परेशानियों में भी अपने जीवन को जीना, अपने आप को जीवित रखना हमारा धर्म है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, कभी भी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। और जिन परेशानियों के कारण हम मुस्कुरा नहीं सकते, हमें जिन परेशानियों के कारण मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगे, मुस्कुरा भी हम नहीं सकते, तो उन परेशानियों में उन मुश्किलों में मुस्कुराना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हमने इतनी अपनी कविता पढ़ी, तो जो आगे की जो कविता है उसे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है।